भीड़ तो कर दिया, पहुँचा दे उनको। देख सकते हैं दोस्तों कितना जाम लगा हुआ है, क्या गजब जाम है। ऐसा जाम में बहुत मुश्किल हो रहा है पब्लिक लोग को जाना, बहुत ही गजब है। देख सकते हैं आप बहुत ही तगड़ा जाम, उसमें बस और ट्रक और भी ज़्यादा जाम कर देते हैं। मिलने के बाद पूरा साकेत और मोड़ी के पास बारिश वाला भी पूरा है। हाँ बैठते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन अभी छुट्टी पे एक सप्ताह के लिए गए हुए, नहीं शनिचर को आएंगे। हाँ 5 बजे से 8 बजे तक, 300 रुपया। ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा अनीसाबाद से लेकर पूरा फुलवारी तक जाम है, पूरा एकदम कटे जहर जाम है। देख सकते हैं बड़ा ही गजब। बस सरकार से यही गुजारिश कीजिए दोस्तों कि ऊपर से एक ब्रिज बना दिया जाए, जिसके ऊपर से बड़ी बड़ी गाड़ियां जाए और नीचे से छोटी गाड़ियां जाए, क्योंकि बड़ी वाहन के वजह से ही बहुत ज़्यादा जाम लगता है। देख सकते हैं आप पूरा मार्केट डिस्टर्ब हुआ हुआ है। पूरा इधर पुलिस कॉलोनी साइड भी पूरा जाम है। पब्लिक परेशान होकर जहाँ तहाँ से गाड़ी निकाल रहे हैं, देख सकते हैं आप। अभी और भी जहाँ तहाँ से जैसे तैसे आ रहे हैं, यानी कि मन करे जहाँ घुसा दो, है ना, ऐसा नहीं होता है। अभी बहुत जाम है, बहुत जाम है। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ये बड़ी गाड़ी है ना, बहुत डिस्टर्ब करती है, बड़ी गाड़ी की वजह से ही जाम लगती है यहाँ पे। यहाँ पे पिछले बार भी मैंने वीडियो में डाला था, वो दिन में 2 बजे के आसपास जाम लगे थे और इस बार रात में ही जाम लग गए हैं। देख सकते हैं आप बड़ा ही गजब जाम लगे हैं। ऐसा जाम में अगर ये सब लिख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगा। अगर आप लोग निकलना चाह रहे हैं तो अभी ना निकले, अभी करीबन हो रहा है टाइम आपको 8 बजने वाला है, गाड़ी से तो ना ही निकले तो ज़्यादा अच्छा है। पैदल निकल ले, पैदल मुमकिन हो सकता है लेकिन गाड़ी से मुमकिन नहीं हो सकता है। देख सकते हैं पूरा एकदम जाम है। ये साकेत यार मोड़ से वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, लोकेशन देखिए। गजब का धूल उड़ रहा है यार, अभी तो मुश्किल है, जाम छूटना भी मुश्किल है यार। करीब आधे घंटे लग जाएंगे ये जाम छूटने में। धूल बहुत ज़्यादा काफ़ी उड़ रहा है, देख सकते हैं आप। देखिए लोग कहाँ से गाड़ी घुसा रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है वहाँ से घुसा दे रहे हैं गाड़ी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है, ऊपर से ब्रिज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों।
अभी तो मुश्किल है, जाम छूटना भी बहुत मुश्किल है।